नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और अब आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जलसे में शामिल होकर चूरू लौटे 17 तबलीगी जमात के लोगों में से 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चूरू जिला प्रशासन सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। अलर्ट मोड पर आए चूरू जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी बुधवार देर रात फौरन दफ्तर पहुंचे। एक साथ 7 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने देर रात सख्त कदम उठाते हुए चूरू और सरदारशहर में कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। कर्फ्यू के अंतर्गत यहां चिकित्सा सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें ये खबर मिली थी कि निजामुद्दीन मरकज में तबलीग में सम्मिलित होके चूरू के कुछ निवासी यहाँ के रुके हुए हैं, तो उसी के इन्फॉर्मेशन के अनुसार हमने ट्रेस किया था, इन्फॉर्मेशन ली थी, हमने पुलिस और प्रशासन के तंत्र को लगाया था, तो 18 लोगों की हमने सूची बनाई थी और उनको हमने पिछले दिनों हमने उनको आइसोलेशन में रखा था। और ये टोटली 17 लोग थे। उन 17 लोगों की हमने सैंपल भेजी गई थी, उसमें हमारी चूरू की 7 लोगों की पॉजिटिव आई है, जिनमें चूरू के जो मरकज़ में जो रह रहे थे वो 3 और सरदार शहर के 4 निवासी वो पॉजिटिव आए हैं। जो चूरू के जो निवासी हैं जो मरकज़ में मस्जिद में रहते थे वो हरियाणा के रहने वाले हैं और वो वहीं निवास करते थे। आज हमारा टीम वहाँ पे पूरा सर्वे कर रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है, वहाँ के इमाम्स और वहाँ जो मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि 18 तारीख के बाद हमने यहाँ मंदिर और मस्जिद को बंद किया था, यहाँ पूजा अर्चना होना या नमाज पढ़ना के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन किया था, तो 18 को हमने चेक भी किया था तो 18 को ये मस्जिद बंद था। फिर भी हम पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं यहाँ पे सम्मिलित हुए और इनके क्लोज कॉन्टैक्ट लिस्ट में आए हैं, वो आज सूची बन जाएगी तो उनको भी हम टेस्टिंग करेंगे। और उसके साथ साथ जो सरदार शहर के जो 4 लोग थे वो 27th को आए थे और वो अलवर में रुक के अलवर से फिर यहाँ आए थे। हमारा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अनुसार अभी 30 लोग जो उनके परिवार के हैं, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के हैं, उनको हमने आइसोलेशन में लिया है और उनको भी उनका सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। इसी अनुसार क्योंकि ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र तो है नहीं कि ये बाहर से आए व्यक्ति है और पहला व्यक्ति है जो यहाँ आए हैं, तो इनको हम उसी तरह के से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनका कराएंगे। और अभी हमने क्योंकि वायरस यहाँ पे है तो ये भीड़भाड़ के इलाके में इनका निवास स्थान है, तो इसलिए हमने कर्फ्यू लगाया है। उस कर्फ्यू के अनुसार अभी हमारी पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम जुटी हुई है। हम लोगों से भी अपील करते हैं इसका पालना करें, क्योंकि हमें जब तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाता, क्योंकि जमात के लोग घर घर भी जाते हैं या यहाँ पे भी लोग आते हैं, तो हम जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि कौन व्यक्ति इसमें थे और इनका सैंपल नहीं आएगा, तब तक कर्फ्यू लगा के रखेंगे या जैसे हमें उचित लगे उसी प्रकार हम इसकी समाधान करेंगे। राजलदेसर कस्बे की भरतिया इंटरनेशनल स्कूल में आइसोलेशन में दिल्ली जमात से आए 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित लोगों को देर रात्रि को एम्बुलेंस से बीकानेर रेफर किया गया। इसी प्रकार फरवरी माह में चूरू जमात में गए हुए राजलदेसर के 8 व्यक्तियों को प्रशासन के आदेशानुसार होम आइसोलेशन में रखा गया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि वर्तमान में चिकित्सालय आउटडोर पहले से कम होने लग गया है। हम सभी को इस महामारी से बचने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। वहीं कस्बे में 12 से 4 बजे तक सब्जी मंडी खुली होने से लोगों ने आवश्यक सामग्री की खरीदारी की। सर, वो रात भर्ती इंटरनेशनल स्कूल में आइसोलेशन में जो 6 एडमिट थे उनमें से कितने पॉजिटिव आए थे? उसमें 4 पॉजिटिव आए गए, उनको देर रात को हमने बीकानेर शिफ्ट करवा दिया। कहाँ के थे सर वो? ये सब सरदार साहब के रहने वाले थे, दिल्ली जमात में जाके आए हुए थे। 21 तारीख को गए थे, फिर 26 तारीख के आसपास वापस आए थे और फिर अपने आइसोलेशन रखा था भरतपुरिया में स्कूल में और फिर उनको टेस्ट करवाए थे, तो 6 में से 4 पॉजिटिव आ गए। इसके अलावा सर, आपने अभी कस्बे में जो भ्रमण किया है, बाहर आ रहे हैं अभी तक अपने पास 313 की आंकड़ा हो गया है बाहर से आने वाले जो दूसरे जिलों से लोगों को, उनको अपन होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस किया है। अभी हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है
एसडीएम साहब के आगे द्वारा कि अपने यहाँ पर चूर जमात में 8 लोग अपने राजनेसर के हैं, उनको स्क्रीन कर लिया गया है और होम आइसोलेशन के लिए हमने एडवाइस किया उनको। इसके अलावा अभी आज ओपीडी सर, आज ओपीडी 172 थी। आगे क्या चल रहा है सर? आगे प्लानिंग हम इनको फॉलोअप कर रहे हैं और होम टू होम सर्वे चल रहा है हमारा। चूर और सरदार शहर में लगे कर्फ्यू का असर भी देखने को मिला। कर्फ्यू के कारण आज पुलिस काफी सख्त नजर आई। पुलिस के जवान सुबह से ही शहर में घूम घूम कर लोगों को घरों में ही रहने की चेतावनी दे रहे थे। मेडिकल को छोड़ शहर की सभी आवश्यक खाद्य सामग्री की भी दुकानें बंद रही। जिला प्रशासन के अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं बीकानेर संभाग के आईजी जोस मोहन ने भी चूरू शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सर शहर में 7 पॉजिटिव पाए गए हैं, आज आपने भी निरीक्षण किया है, कर्फ्यू को लेकर किस तरह के आपके दिशा निर्देश? आज सरदार शहर और चूरू का जो है कस्बे में कर्फ्यू चल रहा है और कर्फ्यू का व्यवस्था देखने के लिए एसपी चूरू और बाकी चूरू का जो लोकल ऑफिसर्स है उनके साथ सभी जगह भ्रमण किया गया है और कर्फ्यू में जो व्यवस्था किया गया है इसका समीक्षा किया गया है और अच्छे तरह से कर्फ्यू का सब जगह लोग घरों में रह रहे और बाहर नहीं निकला हुआ है और अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। तो किस तरह से आगे भी लगता है कि कर्फ्यू लंबा चलेगा? 7 मेले हैं और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं शुरू में। अभी परिस्थिति को देखते हुए जो कर्फ्यू जो बढ़ाना वो कलेक्टर साहब की तरफ से निर्णय लेगा। और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज भर्ती अस्पताल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आशा सहयोगिनी ANM एवं चिकित्सकों की टीमों को घर घर सर्वे अभियान को लेकर बारीकियां बताई और जरूरी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नायक ने अस्पताल पार्क में आयोजित ANM व आशा सहयोगिनियों तथा चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में उन्होंने सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया और कहा कि सर्वे अभियान के तहत कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का संपूर्ण विवरण तैयार करें। जिले में कोरोना वायरस के एक दिन में 7 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित इलाकों में डोर टू डोर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया है। सरदार शहर क्वारंटाइन किए गए 9 लोग चूरू में 13 दिन रुके थे, इसलिए आज उनके आसपास के क्षेत्रों में सीधे रूप से संपर्क में आए 15 व्यक्तियों व इनडायरेक्टली संपर्क में आए 25 लोगों को भी आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सुभाष चौक, धोबियान चौक, नई सड़क और सफेद घंटाघर सहित कई इलाकों में सर्वे किया। बटेल मस्जिद के पास में 15 जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे उनको अभी आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। बाकी इनडायरेक्ट कांटेक्ट में 25 है, उनका हमें लिस्ट मिली है। अभी डायरेक्ट कांटेक्ट वालों को भेजने के बाद में जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है उनको अभी बच्चे हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भेजेंगे। मैं डॉक्टर कमल, सीएसआई प्रभारी, CSC गुड़वाल। आपका नाम? डॉक्टर कमल दानिया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कितने? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में 16 की लिस्ट है, 16 को सारों को आइसोलेशन में भेज दिया गया और बाकी इनडायरेक्टली 25 है उनको अभी भेजें। तो मैं वार्ड नंबर 19 में मरकज मस्जिद के अंदर 9 लोगों को आइसोलेट किया गया था क्वारंटाइन जोन में। वहाँ से उनमें से 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध मिले हैं। तो आज पूरे 3 किलोमीटर के दायरे में घर घर जाके सर्वे किया जा रहा है। कौन? आपका नाम? मैं डॉक्टर इमरान गौरी, चिकित्सा अधिकारी चूरू। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भवनलाल सरवा ने बताया कि चूरू शहर में घर घर सर्वे के लिए 32 टीमें भेजी गई हैं।
प्रत्येक टीम में एक ANM व दो आशा सहयोगिनी को जोड़ा गया है। टीमों की मॉनिटरिंग के लिए 10 चिकित्सा अधिकारी लगाए गए हैं। चूरू शहर में टीमें 3 किलोमीटर के क्षेत्र में घर घर सर्वे कर रही हैं। वहीं सरदार शहर में भी 19 टीमें घर घर सर्वे के लिए भेजी गई हैं। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है संदिग्ध? जैसे भी हमारे को शाम को सूचना मिली, पुणे थे, उनको बीकानेर शिफ्ट करवा दिया गया और बाकी जो अपने राजेंद्रेश्वर में थे उनको अपने रतनगढ़ जो वो ट्रोमा सेंटर है उसमें अपने आइसोलेट बना रखा, वहाँ शिफ्ट करवा दिया गया। और बाकी जो अपने सदा शहर में हैं टोटल उनको रेफर करने के बाद में 30-32 जने हैं जिनके लिए जिला अस्पताल चूरू से टीम भेज दी गई है उनकी सैंपलिंग के लिए। और वहाँ पे जैसे 32 टीमें अपने यहाँ पे बनाई गई है जो वार्ड टू वार्ड डोर टू डोर सर्वे करेगी। और जो पहली चीज़ ये है कि ये जो भाई आए हैं अपने पास में वहाँ पे अपने सदा शहर में 30-32 के आसपास मिले हैं, उनको रातों रात ही क्वारंटाइन करवा दिया गया और उनकी सैंपलिंग अपने सदा शहर में हो रही है। और जो यहाँ पे चूरू सिटी में जो अपने को जो अभी प्रोजेक्ट में जो प्रक्रिया चल रही है अपनी टीमें डोर टू डोर सर्वे कर रही है, अपना जो पूरा लवाजमा है वो डॉक्टर सुनील जानदू जी के नेतृत्व में चूरू में चल रहा है और डॉक्टर देखुन गुराव जी के नेतृत्व में अपने सरदार साहब में पूरा 20 टीमों के साथ में जो टीम में काम कर रही हैं वो अपने उनका डोर टू डोर अपने जो दो जोन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, कंटेनमेंट जोन में जो अपने एकदम जो क्लोज में रहते हैं उनको। कोरोना से लड़ी जा रही जंग में आम और खास का जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को साथ मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते संभावित खतरे को भांपते हुए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही कोरोना की दहशत को भांपते हुए चिकित्सा विभाग उन तमाम व्यवस्थाओं को संभालने में लगा है जो उसे कोरोना की इस जंग में जीत दिला दे। कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए चूरू सांसद राहुल कस्सा ने जिला कलेक्टर संदेश नायक को पत्र भेजकर राजकीय भर्ती अस्पताल के लिए 2 नए वेंटिलेटर और कोरोना टेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए 46 लाख रुपए सांसद कोटे से दिए जाने की अभिशंसा की है। सांसद कस्सा ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखकर भर्ती अस्पताल में 2 वेंटिलेटर के लिए 31 लाख और ऑटोमेटेड रियल टाइम माइक्रो PCR सिस्टम लैब मशीन और टेस्टिंग किट खरीदने के लिए 15 लाख रुपए सांसद कोटे से देने की अभिशंसा की है। अगर ये टेस्टिंग मशीन अस्पताल को जल्द ही मिलती है तो जो सैंपल बीकानेर भेजे जा रहे हैं वह नहीं भेजने पड़ेंगे और कोरोना की जांच चूरू में ही हो सकेगी। चूरू में फिलहाल 12 वेंटिलेटर है लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए माना जा रहा है कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो इन मशीनों और उपकरणों की स्वास्थ्य विभाग को सख्त आवश्यकता पड़ेगी। आज चूरू में हमने 46 लाख रुपए की स्वीकृति और निकाली है जिसमें से 30 लाख रुपए की हमने 31 लाख रुपए के 2 वेंटिलेटर्स जो हाई एंड वेंटिलेटर्स हैं बढ़िया फुल्ली इक्विप्ड वेंटिलेटर्स होंगे उसकी स्वीकृति दी है और साथ ही में 15 लाख रुपए की हमने कोरोना वायरस को टेस्ट करने की मशीन का भी एक स्वीकृति दी है। ये मशीन कोरोना वायरस को का तो वायरस टेस्ट करेगी साथ में इसके 100 के लगभग और टेस्ट भी करने का काम करेगी। ऐसे जिलों के अंदर बहुत कम मशीन्स हैं जो हमने सोचा ये कि चूरू के अंदर एक शानदार मशीन का हम अपना स्वीकृति प्रदान करें और साथ में सभी भामाशाओं से भी निवेदन किया है कि हमारे जो एक वर्ल्ड क्लास लैब बनाने का हमारा विजन है उसके अंदर हमारा पूरा एक सहयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जिले के अंदर मेडिकल फैसिलिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये पैसे बहुत फायदेमंद होंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक बुधवार को सुजानगढ़ पहुंचे तथा कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन की व्यवस्थाओं व चिकित्सा सेवाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर सुजानगढ़ में इटली से एक व्यक्ति के घर पहुंचे व उसके परिजनों व पड़ोसियों से उसके होम क्वारंटाइन के बारे में पूछताछ की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली और SDM डॉक्टर रतन कुमार स्वामी सहित एडिशनल SP BDO तहसीलदार व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। सुजानगढ़ में कोरोना COVID-19 का रोकथाम हेतु जारी प्रयासों के बारे में हमने आज सभी अधिकारियों से चर्चा की। पुलिस प्रशासन, ग्रामीण विकास, हमारा मेडिकल की टीम, सभी का जो प्रिपरेशंस है और इनको जो आवश्यक डायरेक्शंस जो देने थे वो दिया गया। स्पेशली हमारी जो आइसोलेशन वार्ड्स की जो स्थिति है और उसके साथ साथ जो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट्स ऑफ पीपल, उन दोनों के बारे में भी हमने इनका इंफॉर्मेशन भी लिया और इनके बारे में बताया भी। कुछ रिलीफ कैंप्स हम चला रहे हैं, जो बाहर के कुछ माइग्रेंट्स यहाँ आए थे उनके बारे में जानकारी ली। सभी व्यवस्थित है और अगर जो फ्यूचर में जो हमारे जो आइसोलेटेड जो लोग हैं यहाँ पे
उनका हम निगरानी कर रहे हैं, जो फ्यूचर में जो केसेस भी आते हैं इन केसेस उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो हमें स्ट्रेटेजी रखना है उसके बारे में भी डिस्कस किया। स्पेसिफिक कमेटी गठित को गठन करने को लेकर क्या कहा? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉर रूम वॉर कमेटी बनाया हमने, अगर कोई भी हमें डिसीजन लेना है, कोई एक अधिकारी का डिसीजन नहीं हो, इसीलिए हमने यहाँ सब डिविजन लेवल पे भी सभी अधिकारी जो मेजर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है वो एक कमेटी बना के वो डिसीजन ले ले, उसका मिनट्स हमें भी भेजे और उसके द्वारा कोई प्रोक्योरमेंट भी करता है, कोई डिमांड भी करते हैं तो उसको हम देख लें। सरदार शहर पुलिस द्वारा 40 झुग्गी झोपड़ियों के परिवारों को गोद लिया गया है। इन परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम पुलिस द्वारा किया जाएगा। थाना अधिकारी महेंद्र दास शर्मा के नेतृत्व में इन परिवारों को 7 दिनों में 2 बार राशन पहुंचा दिया गया है। साथ ही इनको समझाया गया है कि आपको किसी भी हाल में बाहर नहीं जाना है और सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखना है। हम थाना सरदार शहर पुलिस द्वारा 40 परिवार हैं जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, बाहर से कुछ लोग पाली से आए हुए हैं, सीकर से हैं जो यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, क्योंकि काउंटडाउन के बाद से उनका काम बंद है, वो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में हैं। उन 40 परिवारों का हमने जिम्मा ले रखा है, उनको लगातार हम राशन वगैरह वितरण का काम कर रहे हैं, उनको जाके अवेयर कर रहे हैं कि आपको अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना, बीमारी के बारे में उनको बता रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मेडिकल सुविधाओं के बारे में जैसी भी जरूरत पड़ रही है ऐसा हम उनको अवगत कराते हैं, मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने हमारे नंबर हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं थाने के, उनको किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत होती है तो हम उनको संभालते हैं। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के मद्देनजर गरीब एसआई व दिहाड़ी वर्ग को भूखा ना रहना पड़े, ऐसी सेवार्थ भावों के साथ पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा के सानिध्य में प्रारंभ हुई जनता रसोई का जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुजारी ने जनता रसोई की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र में कोई भी भूखे पेट ना सोए, ऐसे सेवार्थ भावनाओं के साथ जनता रसोई टीम द्वारा गरीब एसआई व दिहाड़ी वर्ग को सूचना के अनुसार भोजन के पैकेट घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। शिवाजी संस्थान रतनगढ़ द्वारा समस्त इस संस्थान के पदाधिकारी उन सबको मैं बहुत ही साधुवाद देता हूं कि बहुत ही इस संकटकालीन समय के अंदर आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आम जन की सेवा के उद्देश्य से उनको बढ़िया तरीके से भोजन पूड़ी सब्जी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे बना करके और जिनको ज़रूरतमंद है परिवार है उनको घर तक पहुँचाया जा रहा है, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। वहीं ज़रूरतमंद लोगों को राहत पहुँचाने की कड़ी में लायंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा द्वारा भी 50 पैकेट खाद्य सामग्री किट आपदा से पीड़ित ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए पुलिस उप अधीक्षक प्यारेलाल मीणा को दिए गए। इस अवसर पर क्लब के शशि कुमार गोड़, संदीप कंदोई, धनराज इंदौरिया एवं ट्रैफिक हेड कांस्टेबल यूनुस खान व प्रशासन के कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में भी आज पुलिस काफी सक्रिय रही। शहर के विभिन्न वार्डों में राशन की दुकानों के आगे एकत्रित होने वाली भीड़ को पुलिस ने मौके पर से हटाया व राशन डीलरों को पाबंद किया कि जो लोग राशन लेने के लिए आए हैं उनके राशन कार्ड अपने पास रख ले व उनका नंबर आने पर उन्हें फोन करके बुलाए ताकि उन लोगों को राशन वितरित किया जा सके। वार्ड संख्या 27 में सुबह जैसे ही राशन की दुकानें खुली तो एक दफा लोगों की भीड़ लग गई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस बना लिया। भादरा के महाराजा अग्रसेन एजुकेशन ग्रुप, श्री गणेश युवा क्लब व आदर्श रामलीला कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आज लगातार 30 दिन भी 100 से अधिक व्यक्तियों का खाना बनाकर वितरित किया गया। इस अवसर पर सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी असहाय व जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सोए। इस समय जहां देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, केंद्र की और राज्य की सरकारें इस संकट की घड़ी में अनेक प्रयत्न कर रही है, ऐसी स्थिति में एक देशवासी के रूप में यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जरूरतमंदों को राशन, भूखों को खाना और बीमारों को दवाइयां उपलब्ध करवाएं। इसी संबंध में हमारे भादरा के गणेश युवा क्लब वह महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान के जुझारू सदस्य द्वारा पिछले कुछ समय में वह अभी भी ना केवल राशन की किटें उपलब्ध करवाई जा रही है बल्कि भूखों के लिए खाने की व्यवस्था भी करवाई जा रही है। वह आने वाले समय में जब बीमारों के लिए मेडिकल किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड 19 के संक्रमण के चलते जिले में अवांछित व असामाजिक लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर कोरोना संक्रमण से संबंधित अफवाहों का प्रचार प्रसार किए जाने की संभावना है, इससे आमजन के मन में भय व्याप्त हो सकता है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इस प्रकार की अफवाहों के नियंत्रण एवं अफवाहें फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु एक सेल गठित की है। सेल में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय,
चूरू के सहायक निदेशक अजय कुमार एवं वृत्ताधिकारी व्रत चूरू को नियुक्त कर निर्देशित किया गया है कि वे आपसी समन्वय रखते हुए क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग एवं दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। चूरू के निकटवर्ती रतनगर कस्बे के भामाशाह व समाजसेवी राजेंद्र हीरावत ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अपने विचार जिलेवासियों के साथ साझा किए हैं। भाइयों, मेरे पास कई फोन आ रहे हैं कि राजू भाई, ये लॉकडाउन जो है 21 दिन का है या और आगे का है, 3 महीने तक का भी है। उनका पूछना सही है, क्योंकि रूमर ऐसे ही चल रही है। अब देखिए, एग्जाम्पल, आज मेरे को कोरोना है और वो मेरे को कब पता चलेगा, 7-8 दिन के बाद। और मैं इस दरमियान में, पता चलने के दरमियान में, मैं किसी आसपास के पड़ोसी को और को या परिवार में किसी को लगा दिया तो कब पता चलेगा उनका बारे में, 5-7 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद। और उसको पता चलने के पहले वो किसी और को लगा दिया और वो और किसी को लगा दिया, तो ये चेन चलती रहेगी। भाई साहब, आज के दिन अपने परिवार में भी दूरी बनाकर रखने की है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आज यदि मेरे को है तो मेरे परिवार को पता कैसे चलेगा 7-8 दिन के बाद, तब कहीं परिवार में और फैल गई तो मैं सभी को आइसोलेशन परिवार के अंदर भी रखना है, तो पड़ोसी से तो दूर, तो पड़ोसी में कभी भी आप मिलने के लिए नहीं जाएं, ये सोच के रहें उनको कोई कोरोना है, ये संदेह में रहना पड़ेगा आपको। इसके साथ साथ आप देखिए कि लोग गांव गए और गांव पहुंचने के बाद वो घर में नहीं गए, ये सोच करके कहीं मैं कोरोना लेकर के तो नहीं आ गया हूं, तो उन्होंने, उन घर में कमरे नहीं है तो उन्होंने अपना आशियाना पेड़ों के ऊपर बना लिया ताकि 10-5 दिन मैं पेड़ों पे रह जाऊं और उसके बाद मेरे को कंफर्म हो जाए मेरे पास कोरोना नहीं है तो मैं घर में एंट्री कर लूं। तो देखिए, गरीब लोग, गांव के लोग इस बात को समझ रहे हैं, पर दुख तो इस बात का है कि हम जो बड़े बड़े फ्लैटों में, बंगलों में, गलियों में रह रहे हैं, शाम को निकल गए पड़ोसी से गप करने लग गए, ये कहां तक उचित है। उनके घर चले गए, चलो मिलकर आ जाते, फ्लैटों में ताश बत्तियां लगा ली, आसपास में बैठ करके कुछ खेल खेलने लग गए, मिलकर के थोड़ा बहुत अंदर ही फ्लैटों में घूम लेते हैं, ये कहां तक उचित है। जब परिवार में दूरी बना के रखनी है तो ये दूरी बहुत जरूरी है भाई साहब। यदि ये दूरी बना के रख ली तो ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज इसका कोई समय निश्चित नहीं है। और ये जितना दिन लॉकडाउन चलेगा ना, पूरे देश को नुकसान होगा और हम लोगों को नुकसान होगा, हमारे व्यापार को नुकसान होगा, गरीबी को नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा। ये था आज का चूर अपडेट, कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।